फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओ यस, लिमिटलेस। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ हाउस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जो जो नए अपडेट्स है उसके बारे में बताने के लिए। अभी आसपास मार्केट में और सब जगह बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि किस किस को वो नए अपडेट्स वाले डॉक्यूमेंट चाहिए, किस किस को नहीं। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आज गाइड करने वाली हूँ कि कौन से एप्लीकेशन में वो नए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और कौन से में नहीं। आइए शुरू करें। सबसे पहले तो ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं अभी फ्लैश हो रहा है, ये है अभी का लैंडलॉर्ड डिक्लेरेशन का नया फॉर्म। इस डॉक्यूमेंट में लैंडलॉर्ड को आपको और रजिस्ट्रेटेड ऑफिसर या फिर लॉयर या एडवोकेट से आपको उस पे साइन करवाना है, उनका स्टैंप लेना है। ये लॉयर ऑफिसर के पास आप साइन करवा रहे हैं, ये उनके सामने ही दोनों पार्टीज के बीच में साइन होगा। ओरिजिनल कॉपी है और इसका जो स्कैन कॉपी या फोटो कॉपी आप लोगों को आईडी माल्टा को सबमिट करना होगा ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन। इसके अलावा जो पुराने डॉक्यूमेंट्स थे जो कि लैंडलॉर्ड डिक्लेरेशन, हाउस कॉन्ट्रैक्ट, हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल, ये चीजें तो आपको चाहिए ही। ये सारे फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स जो वेबसाइट से मिलेंगे वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे पिन कर दिया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियोज में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं। मैंने उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी आते हैं ये फॉर्म्स किस किस को जरूरत पड़ने वाली। जो लोग फर्स्ट टाइम माल्टा में आ रहे हैं, ऑलरेडी वीजा उनका लग चुका है, यहाँ पे आके उनका फर्स्ट आईडी कार्ड इशू होगा, उनको ये चाहिए होगा, उसको हम लोग स्टिल अब्रॉड या न्यू एप्लीकेशन बोलते हैं। न्यू एप्लीकेशन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आप अपनी होम कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे हैं या फिर आप किसी थर्ड फॉरेन कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे हैं। यहाँ पे एक ये चीज जरूर आप ध्यान रखिए कि कोई भी अगर आप शेंगेन कंट्री से ही दूसरी कंट्री में स्विच कर रहे हैं तो वो भी न्यू एप्लीकेशन ही कंसिडर होता है, लेकिन आप लोगों को अपना जो एप्लीकेशन है ऑलरेडी अपने एग्जिस्टिंग कंट्री में रह के अप्लाई करना होगा। बार बार आप ये चीज पूछेंगे कि हम माल्टा आके एप्लीकेशन चेंज कर सकते हैं, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले होता था, अभी जनवरी से रूल्स चेंज हो गए हैं। अगर आपको किसी दूसरी शेंगेन कंट्री से माल्टा में मूव करना है तो आपको वहीं रह के पहले अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, बायोमेट्रिक का कॉल आएगा, उसके बाद ही आप ट्रैवल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चेंज ऑफ एम्प्लॉयर या फिर रिन्यूअल ऑफ एप्लीकेशन। चेंज ऑफ एम्प्लॉयर और रिन्यूअल एप्लीकेशन में भी इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी अगर आपने अपना एड्रेस चेंज किया है तो। अगर आपके प्रीवियस कार्ड में ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग एड्रेस है तो आपको ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो पुराने तीन डॉक्यूमेंट्स ही देने हैं जो कि है हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल, कॉन्ट्रैक्ट और आपका लैंडलॉर्ड डिक्लेरेशन जो लैंडलॉर्ड आपका साइन करके और अपने डिटेल्स के साथ देता है। अगर आपका एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है तो आपको नोटराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, एक चीज और, अगर आपका एड्रेस चेंज हो रहा है, अगर आप नोटरी के डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं तो आपका जो हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो कि खाली आपके और लैंडलॉर्ड के बीच में साइन हुआ है उसे भी आपको नोटराइज करना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम ये जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी आप लोगों को पहले दिखाया था उसके साथ। जो लोग ऑलरेडी माल्टा में है लेकिन उनका किसी भी तरह का एप्लीकेशन चेंजेस नहीं हो रहा है लेकिन उन लोगों ने हाउस चेंज करा है रिसेंटली, उन्हें अपना चेंज ऑफ एड्रेस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये मैंडेटरी है क्योंकि अगर आप अपना पुराना घर छोड़ चुके हैं ऑलरेडी तो वहां से जैसे ही आपका हाउसिंग अथॉरिटी कैंसिल होता है, आप कैंसिलेशन ईमेल आता है, सेम टाइम पे आईडी माल्टा में भी यही नोटिफिकेशन जाता है, उसी वक्त आपका जो एग्जिस्टिंग कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा। और अगर आप इनवैलिड हो जाएगा तो जो आपका स्टे है माल्टा में वो भी इनवैलिड होगा। तो जैसे ही आप लोगों ने घर चेंज किया है इमीडिएटली आप चेंज ऑफ एड्रेस के लिए भी अप्लाई करें। नोटरी कहां से करवाएंगे, किस के पास जाना है, कौन सा ऑफिसर के पास जाना है, इसको लेके कंफ्यूजन है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक शेयर कर रही हूँ। वहाँ पे माल्टा में जितने भी लॉयर्स एडवोकेट्स हैं और जो भी एलिजिबल है इस डॉक्यूमेंट को नोटराइज करने के लिए आप वहाँ जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रही बात इनके फीस की, तो टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे अभी बहुत एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है क्योंकि पहले तो डॉक्यूमेंट्स 5-10 यूरो में भी नोटराइज हो जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे एक नया इनका बिजनेस का सिस्टम बन गया है जिसको हम तो अभी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अभी इनके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप अगर नोटरी करवाने जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी आप एटलीस्ट एक दो जगहों पे जाके आप चेक कर लीजिए करवाने से पहले, क्या पता आपको थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस मिल जाए क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग इन लोगों ने अपने रेट्स बना रहे हैं। इस टॉपिक पे अपडेट इतना ही था, आपसे मिलूंगी मैं अगले वीडियो में नए अपडेट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड गाइज एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सेइंग ओ यस टू लिमिटलेस। और हाँ, लाइक शेयर और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड थैंक यू वेरी मच, बाय।